शाहिद खान आफरीदी हमारे अपने लाला। लाला अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम सेट मैच, मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम। लाला पहले तो आप हमें ये बताइए कि ऑफिशियली आपने इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, क्या आपको ऑफर करने से पहले आपसे पूछा गया था? अक्सर पाकिस्तान में ऐसा हो जाता है, कमेटीज़ में नॉमिनेट कर दिया था, लोग कहते हैं जी मुझसे तो पूछा ही नहीं था, मैं तो काम ही नहीं करना चाहता, मैं तो ये मसरूफ़ वो मसरूफ़। लाला आपने एक्सेप्ट कर लिया इस पोजीशन को? आदिल पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है। मेरी आज भी दो दफ़ा नजम सेठी साहब से सुबह बात हुई है और उनको मैंने बताया, क्योंकि मेरी अपनी फाउंडेशन के साथ मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा है, फिर फैमिली है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है और इट्स ए सीरियस जॉब जो पीसीबी की है, तो उनको मैंने बता दिया। उनको मेरी ये भी बात हुई है कि मैं हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ख़ास तौर पर ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर 14 या अंडर 16 या अंडर 19 के जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ग्राउंड पर रह के कभी भी अगर मुझे आप लोगों ने समझा तो डेफिनेटली मैं टाइम दूंगा और उस चीज़ को मैं कंसिडर बिल्कुल करूंगा। इसलिए मैं समझता हूं कि हमेशा मैं आप लोगों को कहते हुए हूं कि जो पाकिस्तान से काफ़ी क्रिकेटर्स खेलें, काफ़ी अर्सा खेलें, मैं समझता हूँ उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें ग्रास रूट लेवल पर है। तो नेशनल पे हम गलतियां ढूंढने की कोशिश और परफॉर्मेंसेस को अच्छा करने या जीत की कोशिश ऊपर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन हमें अपने जो नए बच्चे हैं उनको जो है वो नए तर्ज की क्रिकेट सिखानी पड़ेगी, समझानी को मेंटली एंड फिजिकल तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम सीनियर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।